हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और स्वागत करती हूं अपने चैनल नीरज कुकिंग ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तीन चीज़ों से बनने वाली ये मिठाई। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कितना सुपर यमी ये बन के तैयार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप बुरादा, नारियल का बुरादा, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लो फ्लेम पे इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है, जब तक कि इसकी एक खुशबू सी ना आने लगे तब तक मैंने इसे रोस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप दूध पाउडर, जो दूध का आता है उसे यूज़ किया है मैंने यहाँ, और जितना दूध मैंने डाला था उतना ही चीनी डाला है, पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है मैंने यहाँ, और उसी कप से मैंने यहाँ दूध लिया है। दूध मलाई वाली थी मेरी, आप चाहे तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। और उसी की हेल्प से हल्का हल्का, जैसे आटा हम गूंथते हैं ना, वैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसे आटा की डो की तरह तैयार कर लेंगे। इस डो को ना ही सॉफ्ट करना है और ना ही ज़्यादा सख्त करना है, इसे नॉर्मल तैयार करना है क्योंकि इससे ऑयल रिलीज होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने सारे डो को एक बटर पेपर पर ले लिया है और इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ट्री कलर हम इसका बनाएंगे तो थ्री पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे मैंने सूखे नारियल का बुरादा का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसे ताज़े नारियल जो पानी वाले होते हैं ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूरी पानी को आप निकाल लेंगे, छान लेंगे, तो उससे भी बहुत परफेक्ट तरीके से ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक पार्ट को ले लिया है और उसमें डाला है ऑरेंज कलर एक ड्रॉप, फूड कलर है ये बिल्कुल, क्योंकि इस पार्ट का मुझे ऑरेंज कलर बनाना था तो मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाला है। और हाथों की हेल्प से इसे मसल मसल के स्क्वायर का शेप देते हुए हम इसे लंबा सा एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छा सा रोल बना लिया है, स्क्वायर शेप दे दिया है, और इसकी हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाता है। और बीच बीच में मैंने बटर पेपर का भी यूज़ किया है इसका शेप देने में। तो ये रोल बनके बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम फ्रीज में रख देंगे। अब मैंने यहाँ लिया है दूसरा डो, तो इस डो में मैं डालूँगी एक ड्रॉप ग्रीन कलर, क्योंकि मुझे इसका ग्रीन कलर बनाना है। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका मैंने ग्रीन कलर का एक रोल तैयार किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑरेंज वाले का तैयार किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये भी बन के तैयार हो गया हमारा, तो इसे भी हम फ्रीज में रख देंगे। अब नेक्स्ट आता है मेरा वाइट कलर, तो वाइट कलर में तो कोई कलर नहीं डालना है, मुझे ट्री कलर बनाना है तिरंगे के कलर का, तो मैंने इसका भी रोल वैसे स्क्वायर शेप दे के इसको भी तैयार कर लिया है और इसे भी फ्रीज में रख दिया है। दो घंटे बाद मैं फ्रीज से निकाली हूँ, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया ये हमारा मिठाई बनने के लिए तैयार है। तो अब हम इसकी कट लगा लेते हैं, तो आप जिस शेप में आप कट लगाना चाहें उस शेप में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसा मिठाई घर में बनके तैयार। तो अब हम इसी को सजा देंगे ऐसे ही, क्योंकि इस पर हमें सिल्वर वर्क लगाने हैं इसके ऊपर, और बाकी तीनों को मैंने निकाल लिया है। अब मैंने तीनों मिठाई के ऊपर सिल्वर वर्क लगा दिया है, सजा दिया है इससे, और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसी इसकी लुक है, कोई डिफरेंट नहीं है। और इसी तरह से मैंने बाकी सबका कट लगा लिया है, और इसकी टेस्ट जो है खाने में फ्रेंड्स क्या ही बताऊं, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रोल मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार घर में ट्राई कीजिएगा फिर आपको पता चलेगा इसका टेस्ट। तो यहाँ हमारे सिल्वर वर्क कुछ चिपके नहीं थे मिठाई के ऊपर, तो मैंने इसको पेपर की हेल्प से सजा दिया है, अच्छे से चिपका दिया है। तो बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए मार्केट के लुक जैसा हमारा मिठाई घर में बनके तैयार है, बहुत ही कम चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे आप अपने घर पे इस मिठाई को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आप सबको पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। और फ्रेंड्स, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।